शन ऑफ रजिस्टेंस सेकेंड पार्ट लेवल टू मीन टफ क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन फॉर्म ऑफ अ सर्किल द रजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द वायर एंड द एंड ऑफ द डाया सर्किल इज एक तार हमारे पास दिया हुआ है उसका रजिस्टेंस कितना है उसका रजिस्टेंस है आर उसको एक सर्किल के फॉर्म में एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया Means, the wire is like this. ये पूरा तार है, इसका रेजिस्टेंस कितना था आर हमसे पूछते हैं कि सरकम के ऊपर दो पॉइंट हमने चूज किए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा सो so, देखिए पूरे तार का रेजिस्टेंस कितना था आर ए से बी सेमी सर्किल आधा व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर बाई टू ए टू बी ये वाला रेजिस्टेंस कितना आधा हाफ आर बाई टू नाओ द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस कि एक रेजिस्टेंस आर बाई टू ऊपर और एक रेजिस्टेंस आर बाई टू नीचे एंड नाउ दे आर लाइकली टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल तो आर बाई टू आर बाई एन अगर एन रजिस्टेंसेज होते तो एक रजिस्टेंस कितना आर बाई टू आर बाई टू 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 सा फोर सो वॉट इज द रजिस्टेंस टोटल टोटल रजिस्टेंस इज आर बाई फोर सो हेयर ए आंसर इज करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड ए इन सीरीज बी इन पैरल द equivalent resistance इन द टू cases आर 9 ओम एंड 2 ओम respectively. Then द रजिस्टर्स ऑफ द कंपोनेंट रजिस्टर्स आर दो रेजिस्टेंसेस को पहले श्रेणी में और फिर पैरेलल में समानांतर में जोड़ा गया है दोनों केसेस में रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक 9 ओम और एक दिया है 2 ओम आपको उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी सो so, इस तरह के क्वेश्चंस में तो बेस्ट होता है हम ऑप्शन ही चेक कर लें टू ओम एंड नाइन ओम सीरीज में सबसे पहले चेक करो टू प्लस नाइन इलेवन नॉट पॉसिबल क्योंकि हमको सीरीज में कितना चाहिए नाइन चाहिए थ्री एंड सिक्स नाइन दिस मे बी द आंसर थ्री एंड नाइन दिस मे बी द आंसर नो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व तो ये भी आंसर कट गया टू प्लस सिक्स सिक्स प्लस टू एट तो ये भी आंसर कट गया विच आंसर इज करेक्ट बी सीरीज में नाइन ओम यस सिक्स प्लस थ्री नाइन पैरेलल में बिग वन अपॉन एन प्लस वन टू प्लस वन इट इज थ्री थ्री से कैंसिल आउट टू टाइम्स पैरेलल में इट इज टू ओम्स तो बेस्ट आंसर करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ उनकी लंबाई समान है एंड मटेरियल मींस रो इज सेम समान लंबाई है एल और समान मटेरियल है मतलब रो रजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध भी सेम है देयर क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो ऑफ वन इज टू थ्री मीन्स ए वन बाई ए टू ये जो रेशियो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का वो है वन इज टू थ्री द टू वायर्स आर ज्वाइंट सो दैट देयर एंड्स फ्यूज इन टू वन एनोदर दोनों तार एक तार ये और एक तार ये इनके एंड्स फ्यूज कर दिए मतलब जोड़ दिया इनको एक दूसरे से जोड़ दिया ये विदाउट एनी अदर चेंज द रेशियो ऑफ द रजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर कॉम्बिनेशन का रजिस्टेंस एंड द वायर ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन इज आपको इनका रेशियो बतलाना है देखिए एक का क्रॉस सेक्शन है वन यूनिट दूसरे का क्रॉस सेक्शन है थ्री यूनिट तो रजिस्टेंस में क्या रेशियो होगा आर वन बाई आर टू ये फॉर्मूला है मेरे पास रो एल अपान ए वन पहले के लिए रो एल अपान ए टू सेकेंड के लिए मटेरियल सेम है ये कैंसिल लेंथ भी सेम है ये कैंसिल व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रजिस्टेंसेज इट इज़ ए टू बाई ए वन ए टू बाई ए वन इसको पलट दीजिए कितना थ्री इज टू वन ये इनके रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया मतलब R1 वन बाई आर टू इज थ्री टू वन यदि एक रेजिस्टेंस छोटा वाला जिसका क्रॉस सेक्शन है वन यूनिट उसका रेजिस्टेंस अगर आप थ्री आर लेंगे तो बड़ा जिसका क्रॉस सेक्शन है ज्यादा जिसका क्रॉस सेक्शन है थ्री वाला उसका रजिस्टेंस होगा केवल आर ऑबियस है मोर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस इज द रजिस्टेंस लेस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर इज द रजिस्टेंस तो रेशियो ही आ गया वन इज थ्री आर सेकेंड इज आर कंबाइंड रजिस्टेंस कितना हो गया बिग वन अपॉन एन प्लस वन ये कंबाइंड रजिस्टेंस हो गया ये पूछा है क्या इन्होंने फ्यूज़ वायर का रजिस्टेंस विद द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का रजिस्टेंस ज़्यादा है कितना है थ्री आर तो ये रेशियो आपको निकालना था थ्री आर थ्री आर कैंसिल आउट योर आंसर विल बी वन इज टू फोर वन इज टू फोर बीटाइज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चनिंगलीबल टू ऑप्टेन and फोर Then एंड the resistances ऑफ द टू coils आर एक तकनीशियन के पास केवल दो प्रतिरोध हैं। उनको श्रेणी सामांतर में प्रयोग करके वो तीन चार बारह और सोलह ओम के प्रतिरोध बना सकता है तब दोनों प्रतिरोधों का मान कितना कितना होगा तो अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो मैक्सिमम होना चाहिए मैक्सिमम ये रहा सिक्सटीन और पैरेलल में जोड़ देते हैं तो पैरेलल होना चाहिए मिनिमम इट इज थ्री मिनिमम इज थ्री तो हम इन दोनों को चेक करेंगे ये बीच वाले दो हैं चेक करिए फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन होता है क्या यस yes. और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो बिग वन अपॉन फोर थ्री ट्वेल्व एन प्लस वन थ्री ओम होता है क्या यस yes. तो फोर एंड ट्वेल्व ओम इज द करेक्ट आंसर वो जो दो रजिस्टेंसेज हैं उनका वैल्यू फोर ओम और ट्वेल्व ओम का उनकी मान होगा वैल्यू होगी सीरीज में जोड़ेंगे सिक्सटीन पैरल में जोड़ेंगे थ्री ओम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एडजॉइनिंग फिगर शॉर्ट सर्किटिंग टेक्स प्लेस वैन की इस सर्किट में आपको ये बतलाना है कि शॉर्ट सर्किट कब हो जाएगा जब कुंजी दबाई जाए कौन सी की दबाई जाए तीन की लग रही है इसके अंदर के वन के टू के थ्री तो देखिए अगर आपने के थ्री को दबा दिया तो सर्किट में करंट यहाँ से चलेगी यहाँ नहीं जा सकती यहाँ नहीं जा सकती बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किटेड तो यहाँ से जाएगी ये बल्ब में से गुजर करके और वापस चली आएगी शॉर्ट सर्किट हुआ क्या नहीं हुआ शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है प्लस और माइनस का एक साथ मिल जाना इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट तो के थ्री से तो नहीं पॉसिबल है नॉट अब देखिए के वन से पॉसिबल है क्या देखिए के वन से पॉसिबल है क्या हां के वन से यह पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं के वन को दबा दूंगा तो ये प्लस और ये माइनस करंट सीधे जाएगी सीधे जाके प्लस और माइनस मिल जाएंगे दिस इज शॉर्ट सर्किट तो K1 को दबाने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ओहो K2 को भी दबाने से हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्लस ये सीधा वायर है दिस इज स्ट्रेट वायर तो K2 भी और K1 भी दोनों को आप कोई भी दबा दें ये या ये या दोनों एक साथ दबा दें तो भी शॉर्ट सर्किट होगा K1 और K2 और बोथ K1 वन एंड के दोनों को भी आप लगा सकते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ए आंसर इज करेक्ट K2 और K3 थ्री नो के तो है ही नहीं नो no, K1, K3 के थ्री नो करेक्ट आंसर इज K1 और K2 टू और बोथ दोनों एक साथ दबा देंगे तो शॉर्ट सर्किट विल टेक प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन पीस ऑफ वायर ऑफ रजिस्टेंस आर इज कट इन टू एन इक्वल पार्ट एक तार का रजिस्टेंस दिया हुआ है आर इसको एन भागों में काट दिया जाता है इस तरह से तो निश्चित रूप से एक वा, एक तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई एन आर बाई एन हर भाग का रेजिस्टेंस जैसे दो भागों में आप बांटते थे तो आर बाई टू हो जाता था तीन भागों में बांटते थे तो आर बाई थ्री हो जाता था एन भागों में काटेंगे तो आर बाई एन हो जाएगा ओके दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अब ये छोटे, छोटे 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 भाग आपस में पैरल में जोड़े जाते हैं इस तरह से जोड़े जाते हैं तो हर भाग है आर बाई एन आर बाई एन आर बाई एन और ऐसे कितने भाग हैं इट इज़ एन तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा इट इज़ वाट आर बाई एन डिवाइडेड बाई एन मीन्स टोटल रजिस्टेंस विल बी आर बाई एन स्क्वायर इक्वल रजिस्टेंस ऑफ द पैरल कॉम्बिनेशन इज आर डैश मीन्स दिस रजिस्टेंस इज डिनोटेड एज आर डैश देन आर बाई आर डैश इज इक्वल टू अच्छा अच्छा हमसे रेशियो पूछ लिया कोई बात नहीं इट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर डैश आर डैश कितना है आर बाई एन स्क्वायर आर आर कैंसिल आउट एन स्क्वायर गोज इन टू नोमरेटर योर आंसर शुड बी एन स्क्वायर इज टू वन n square is to 1, c is correct answer.